सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मतलब इंटरनेट की इस दुनिया का हिस्सा तो खैर हम सभी बन चुके हैं, लेकिन ऐसे में यार जो तरह तरह के साइबर अटैक्स होते हैं ना हम पे रोजाना, पता नहीं कितने लोग दोस्तों ट्राई करते हैं एक्सेस करने का कि हमारे अकाउंट का हैक कर लें या फिर दोस्तों हमारे किसी डेटा को चुरा लें। तो इसके चलते हमारा जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। आज यार आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही साइबर अटैक्स को लेके जो सीधा आपके कैमरा से निकल के आपके लिविंग रूम तक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पर दोस्तों हमको ये बात सीखनी और समझनी बहुत ज़रूरी होगी कि जो हैकिंग है वो सिर्फ इतनी ही नहीं है कि किसी ने आपका फेसबुक हैक कर लिया, किसी ने आपका जीमेल हैक कर लिया। यहाँ पे अगर कोई आपका डिवाइस हैक कर ले तो मतलब अगर कोई आपका ऐसे लैपटॉप हैक करके बैठा हो जहाँ पे आपके लैपटॉप का जो डेटा है या इनफैक्ट लैपटॉप का जो कैमरा या माइक है उसको कहीं कोई रिमोटली एक्सेस कर रहा हो, तो अगर कोई आपका फ़ोन हैक करके बैठा हो जहाँ पे आपके फ़ोन के डेटा को, कैमरा को, माइक को कहीं और दोस्तों अगर देखा जा रहा हो, तो ये है बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात। मतलब आज के डेट में हम इतने ज़्यादा दोस्तों डिजिटल हो गए हैं ना कि मतलब हर एक चीज़ जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन हम रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ में अगर हम सावधानी ना बरतें तो ये दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर चाहे कोई आपसे बाद में ब्लैकमेल करते हुए पैसे मांगे, चाहे दोस्तों ऐसे में हो सकता है जो डार्क वेब है वहाँ पर दोस्तों अक्सर ऐसे बेचा जाता है वेबकैम एक्सेसिस को, तो आपका जो लैपटॉप है जो आप अपने घर में लिविंग रूम में खोल के बैठे हैं और यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई कहीं और रैंडम इंसान बैठा हुआ जिसके दिमाग में डेफिनेटली कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है वो आपके वेबकैम से आपके लिविंग रूम को देख रहा है और ऐसे में आपको देख रहा है लगातार जब भी अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हैकिंग की हम बात करते हैं वो सिर्फ कुछ अकाउंट्स तक नहीं होता है कि मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया और मेरा फेसबुक हैक हो गया। यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ डिवाइस हैकिंग को लेके, बिकॉज ऐसे में दोस्तों बहुत सारे रिमोट एक्सेस टूल्स अवेलेबल हैं। तरह तरह के मेलवेयर होते हैं, मतलब हमको कोई ईमेल आ गया होगा, हमने कहीं पे कुछ क्लिक कर दिया, हमको भैया बोला गया कि इस लिंक पे जाओ रजिस्टर करो तो भैया नया वाला आईफोन जीतने को मिलेगा, तो हम कई बार वहाँ चले जाते हैं। मतलब ऐसे में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ट्रैप में फंस जाते हैं और उसके बाद में हमारा जो डिवाइस है उसकी एक्सेस किसी और के पास में। इनफैक्ट दोस्तों कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जो है वो कुछ मलिशियस ऐप्स या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद में भी ऐसा ही होता है कि जो कंप्लीट एक्सेस है उस डिवाइस की वो किसी हैकर के थ्रू किसी और के पास पहुंच जाएगी। और यहाँ पे अभी लैपटॉप्स में ना हमारे पास में वेबकैम के पास में छोटी सी लाइट होती है कि जब भी वेबकैम जो है वो मतलब ऑन होगा वो लाइट भी ऑन होगी, लेकिन ऐसे में बहुत बार दोस्तों जो लाइट है वो हार्ड वायर्ड नहीं होती है और वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से ऑन की है और उसको डिसेबल करना भी कोई बड़ी बात नहीं है जो दोस्तों एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए। तो आपको मालूम भी नहीं है कि आपने अपना लैपटॉप खोल के भैया यूज करना शुरू किया है। अभी ऐसे में यार आप दोस्तों अपने पर्सनल स्पेस में हैं, प्राइवेट स्पेस में हैं, आप अपने घर में बैठे हैं तो आप फ्रीली बिहेव करेंगे और ऐसे में आपको नहीं मालूम कि वहीं से कोई फोटो या वीडियो किसी ने अगर क्लिक कर लिया तो वो कहां कैसे क्या मिसयूज कर सकता है। इनफैक्ट हमारे मोबाइल फोन्स में भी हम अगर पकड़ के फोन का ऐसे यूज कर रहे हैं तो फोन का कैमरा जो है वो सामने दिख रहा है, हो सकता है यार कहीं और कोई और देखता हो उस चीज़ को। हाँ फोन्स में तो जब से खैर बात हुई है पॉपअप कैमराज की तब से थोड़ा सा सेफ फील होता है कि हाँ भाई मेरा कैमरा अंदर छुपा हुआ है वो बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो लैपटॉप्स हैं उनमें आज भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास में एक कंप्यूटर है जहाँ पे आप एक वेबकैम को यूज़ करते हैं तो ऐसे दोस्तों वेबकैम का एक कवर होता है, आप जानते हैं हर एक आपको वेबकैम में मोस्टली मिल जाता है, उसको ऑन करके रखिए, मतलब कवर को ढक के रखिए बेसिकली। और अगर आपसे बात करता हूँ किसी एक लैपटॉप की, तो पहली बात तो ये अपने कंप्यूटर्स में आपको चाहिए एक अच्छा बेहतरीन एंटीवायरस जो करता रहे स्कैन आपकी ऐप्स को और बताए कि अगर कोई मलिशियस प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपका डेटा है वो कहीं और किसी और के पास जा रहा हो। इसके अलावा अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखिए यार, जो पासवर्ड्स हैं उनको मजबूत बनाइए, टाइम टू टाइम जो है वो स्कैन करते रहिए अपने कंप्यूटर को ऐसे किसी मलिशियस प्रोग्राम के लिए। और इनफैक्ट आप दोस्तों ये जान के हैरान होंगे कि जो बड़े बड़े वर्ल्ड में लीडर्स हैं दोस्तों टेक इंडस्ट्री के, फिर चाहे मैं आपसे बात कर लूँ मार्क
ब्लूमबर्ग की, चाहे मैं आपसे बात कर लूँ मिस्टर टिम कुक की, सुंदर पिचाई वगैरह की, सभी के जो लैपटॉप्स हैं उनका जो कैमरा है वो उसको कवर करके रखते हैं। मतलब जी हाँ दोस्तों, कवर मतलब फिजिकली आप वहाँ पे कोई टेप लगाइए, कोई और चीज़ चिपकाइए, जिसके चलते आपको जब भी ऑन करना हो तो आप उसको हटाएंगे तो ऑन कर पाएंगे। या फिर दोस्तों इनफैक्ट अभी तो मार्केट में बहुत ही सस्ते सस्ते वेबकैम कवर अवेलेबल हो गए हैं, जिसको आप बस चिपकाने के बाद जब चाहे तब स्लाइड करते हुए बंद या खोल सकते हैं अपने वेबकैम को। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी बन जाती है, बिकॉज हमारे दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं अक्सर, और आप नहीं चाहेंगे बाद में कि आपका लिविंग रूम या आपका बेडरूम, जहाँ पे भी आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हो, वो कोई और कहीं और बैठ के मॉनिटर करे और उसके बाद में आप ही को बाद में ब्लैकमेल भी करे कुछ फोटोज़ या वीडियोज़ क्लिक करने के बाद में। और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी चीज़ हो सकता है, तो ऐसे में मतलब अवॉइड कीजिए कुछ भी ऐसा। मतलब अगर आपका जो फ़ोन रखा है उसके कैमरे के सामने अगर कुछ भी आप देखते हैं कि हाँ इस फ्रेम में ऐसा कुछ हो सकता है तो अवॉइड कीजिए, वरना यू नेवर नो, क्या पता कहीं किसी ने कुछ हैक वैक ना किया हो। तो मतलब हमको लगता है कि मोबाइल फ़ोन हमारा एक बहुत ही मतलब ऐसा टूल है जिसको हमेशा अपने पास चिपका के रखते हैं, लेकिन कैमरा को थोड़ा साइड रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई ज़रूर सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। क्योंकि फिलहाल तो खैर हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की और ऐसी बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।